नमस्कार दोस्तों, पूनम मिश्रा रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ते, और जिसकी सामग्री इस प्रकार है। आप देख लें, पनीर 150 ग्राम, जिसको मैंने कस लिया है, इसका पानी निकाल लिया है, आधा चम्मच हल्दी है, एक टोमेटो प्यूरी है, एक चम्मच नमक है, और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैदा, ये कसूरी मेथी, ये शिमला मिर्च कलर वाली, ये 1 चम्मच गरम मसाला, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 4 चम्मच फेंटी हुई दही, 2 मीडियम साइज की कटी प्याज, और ये मावा है दोस्तों, जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है। इसमें 4-6 किशमिश डाल दिए हैं और हल्का सा नमक डाल दिए हैं। फिर अब आप आगे शुरू करते हैं इसे बनाना। पनीर में हम 1 चम्मच और आधा चम्मच मैदा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसे अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने मैदे और पनीर को मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसकी गोली बनाकर, फिर इसके अंदर मावा भरेंगे, फिर इसे तलेंगे। तेल डाल दिया है, अब हम चलते हैं गोलियां बनाने, और देखिए गोलियां कैसे बनती हैं इसकी। इसे बीच में ऐसे गड्ढा कर देंगे थोड़ा सा उंगली से, और फिर ज़रा मावा इसमें लेके और इसके अंदर इसकी फिलिंग कर देंगे ऐसे, और फिर पनीर को ऐसे ऐसे करके और गोला बना देंगे इसका। बस आसानी से बन जाएगा। देखिए गोला कितना अच्छा बन गया पनीर का। इसके अंदर मावा मैंने भर दिया है, अब इसे तलेंगे। ऐसे ही सारे गोले बना लेते हैं, फिर हम इसे तलते हुए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने सारे गोले बना लिए, पनीर के अंदर सारी फिलिंग भर दी मावे की। अब चलते हैं इसे तलने। देखिए, हमने इसे एक तरफ से सेक लिया है, अब इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे एक बार बना कर देखें। अगर थोड़ा पनीर की फीलिंग गीली रहती है तो थोड़ा उसमें और मैदा डाल लें आप, और बहुत अच्छे से भरा जाएगा फिर इसमें मावा। सुनहरा होने तक इसे तल लेंगे थोड़ा, फिर निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम सारे गोले तल लेते हैं, इसके बाद आगे का शुरू करते हैं। अब इसे भी तल लें अच्छे से, हल्के हाथों से चलाएं इसे। देखिए, हमने सारे कोफ्ते तल लिए हैं। अब चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। देखिए मेरा तेल गरम हो गया, अब इसमें 2 मीडियम साइज की कटी प्याज डाल देते हैं। प्याज हल्का ब्राउन होने पर इसमें सारे मसाले डाल देंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं, और हम इसे चला लेते हैं।
दो मिनट बाद हम अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। ये है पिसी हुई धनिया, ये हल्दी आधा चम्मच, ये टोमेटो प्यूरी है, टमाटर डालने के बाद नमक डाल दें, अच्छे से भून जाता है, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे चला देते हैं। हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं ताकि मसाले सारे अच्छे से भुन जाए। अब मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। ये कलर वाली मिर्च डाल देते हैं, कश्मीरी मिर्च। मसालों में देखिए तेल ऊपर आने लगा है, तो फिर हम इसमें फेंटी हुई अपनी दही डाल देते हैं और इसे मध्यम आंच पर डालकर चलाते ही रहेंगे ताकि दही फटे ना। इसे लगातार आप चलाते रहिए 5-7 मिनट तक, जब तक इसमें तेल ऊपर ना आ जाए। इसे लगातार ऐसे फेंटते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाती है। इसे 4-5 मिनट लग जाते हैं भूनने में, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। इसे चलाते रहें बराबर। देखिए धीरे धीरे तेल ऊपर आ रहा है मसालों में और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। तो अब हम इसमें एक चम्मच घर की ही मलाई डाल देते हैं। मैं घर पर ही अपने मलाई निकाल लेती हूँ यही सब बनाने के लिए। और अब इसे चला देते हैं, इससे और भी स्वाद आएगा और कलर भी अच्छा आएगा और बहुत अच्छा ही खुशबू आ रहा है इसका। देखिए मसाले कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं। ग्रेवी को गाढ़ी ही रखें। देखिए अब ये इसमें उबाल आ जाता है, फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। इसे देखते हैं, इसे उबलते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम चला कर देख लेते हैं, ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे डाल देते हैं सारे कोफ्ते और इसके बाद इसे 2-3 मिनट और पका लेते हैं, फिर बंद कर देंगे गैस को। हल्के हाथों से इसे चला दीजिए। दो तीन मिनट और इसको पका लेते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते हो गए हैं, अब हमने गैस को बंद कर दिया। अब देखिए इसके कलर कितने अच्छे आए हैं। मैंने ऊपर से थोड़ी सी और मलाई डाल दी है, आपका भी मन हो तो डाल लें, नहीं तो ये मसाले में ही रहने दें फिर। चलिए अब इसे हम सजाते हैं। ऊपर से हम इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डाल देते हैं। हमारे कोफ्ते देखिए तैयार हो गए, कितने अच्छे और कितना
अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। एक बार ज़रूर इसे बनाएं और इसका आनंद लें, पूड़ी से, चावल से, पराठे से, किसी भी चीज़ से।